हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कूल रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर से बर्फी। इसे बनाने में हमें क्या क्या सामान चाहिए, आइए हम बताते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप घी, 1/4 कप दूध, नारियल का पूरा। नारियल का पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है। ये हमने 2 चम्मच लिया है। आइए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखते हैं और गैस ऑन करते हैं, बिल्कुल धीमे आंच पर। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दूध। फिर इसमें हम डालेंगे अपना 1/2 घी। फिर हम इसमें डालेंगे अपना मिल्क पाउडर, चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर डालेंगे इसमें पाउडर शुगर। धीमे आंच पे करना है, धीमे धीमे आंच पे करते हुए इसे चलाते जाएंगे। देखिए कतर पिघलने लगी है। ये हमने सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल दिया है। आपका हमें ध्यान रखना है कि इसमें आंच हमेशा धीमी रहेगी। अगर हम आंच को तेज कर देंगे तो हमारा ये जो मिल्क पाउडर की है ये चिपकने लगेगा, इसलिए धीमे धीमे आंच हमको चलाते रहना है। ये गाढ़ा हो जाए, जैसा हमारा आटा रहता है रोटी का आटा वैसा टाइप का हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे। देखिए बढ़िया सा हो रहा है धीमे धीमे। ये देखिए धीमे धीमे गाढ़ा होते जा रहा है। इसे 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बूरा। नारियल का बूरा ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ये हमने इसमें 2 चम्मच नारियल का बूरा डाला है। इसमें हम थोड़ा सा घी और डालते हैं। हमने 1/4 कप इसमें घी लिया है, इसे हम 3 बार में डालेंगे। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है, हमने इसे लगातार चलाया है। ये देखिए गाढ़ा होने लगा है, बाकी अभी इसमें हमने डाल दिया है। इसे बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, जिस बर्तन में हम इसे बना रहे हैं कढ़ाई में, ये कढ़ाई मोटे तले की होना चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। हमने गैस बंद कर दिया है। देखिए ये बहुत गाढ़ा हो गया है, अब ये तैयार है। अब हम इसे प्लेट में चढ़ाने के लिए प्लेट को तैयार करते हैं। हमने गैस बंद कर दी। अब हम अपने बर्फी को जमाने के लिए जो थोड़ा सा इसमें घी बचा हुआ है प्लेट में या थाली में हम ये घी लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी मिठाई जमने के बाद अच्छी तरह से निकल जाएगी। देखिए हमने ये पूरा निकाल लिया है अच्छे से। ये थोड़ा ठंडा भी हो गया, अब हम इसे हाथ से भी फैला सकते हैं। आप इसे चम्मच से इसे फैलाते जाए, एक सा कर ले। अगर ये चम्मच में चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी लगा लें। देखिए हमने एक सी कर ली है इसे। अब इसमें ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो डालिए, इससे और अच्छी दिखती है, इसलिए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स से इसको सजा रहे हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे कुछ देर। खाने में बहुत टेस्टी है, मार्केट के मावे की बर्फी जैसी।
अब हम इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। देखिए हमारी मिठाई तैयार है, ये हमने प्लेट में निकाल ली है। हमने इन्हें बादाम से सजाया है, आप चाहें तो काजू से, नारियल नारियल से, जो आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं उसे सजा सकते हैं। ये बहुत ही कम सामान में बनने वाली और जल्दी बनने वाली मिठाई है। ये बिल्कुल मावे की बर्फी जैसी लगती है। ये रेसिपी आप बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और हमें बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।